हेलो नमस्कार आदाब सलाम शास्त्रीय काल के छो कस्य काय करो हाल है के ना छी यहां सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्भा गणियो गम केमती अच्छंती की खबर नमस्तु भ्यंग राधे राधे राम राम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं एक और दो नवंबर के राशिफल के बारे में कि एक और दो तारीख का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, किस राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, किस राशि वालों के लिए बुरा रहेगा, इसी विषय पर हमारी चर्चा जो है सो होने जा रही है। सबसे पहले एक और दो नवंबर के पंचांग को जानने की कोशिश करेंगे कि पंचांग क्या कहता है, उसके बाद राशि फल को समझेंगे। एक तारीख को देवी और सज्जनों अमावस्या तिथि, स्वाति नक्षत्र, शुक्रवार का दिन, चंद्रमा तुला राशि में। शुभ समय की अगर बात करूं अभिजीत मुहूर्त की तो 11:42 AM से 12:26 PM तक और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ यानी कि पश्चिम दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी है। 2 नवंबर को प्रतिपदा तिथि, शनिवार का दिन, चंद्रमा तुला राशि में। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 11:42 AM से 12:26 PM तक और दिशा शूल पूरब दिशा की तरफ यानी कि पूरब दिशा की यात्रा करना वर्जित है। आइए देवी और सज्जनों अब चर्चा को आरंभ करें और जानने की कोशिश करें कि आपके लिए यह समय कैसा रहने वाला है। सबसे पहली चर्चा जो हमारी होगी वो मेष राशि से होगी और मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के सप्तम भाव में है तो मेष राशि के लिए सातवें भाव में चंद्रमा का बैठना क्या फल देगा, आइए इसको समझते हैं। महर्षि कहते हैं कि सातवें भाव में चंद्रमा है इसलिए इन दो दिनों में आप एक सभ्य व्यक्ति का परिचय देंगे, आप एक सभ्य व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे, आपका पेशेंस लेवल, आपका धैर्य भी बहुत मजबूत होगा, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी, आप एक अच्छे नेता के तौर पे भी जाने जाएंगे, आपका विचार भी बहुत अच्छा होगा इसलिए आप एक अच्छे विचारक भी कहलाएंगे, कहीं बाहर जाने का, जन्म धरती से दूर जाने का आपका मन कर सकता है और आप देवी और सज्जनों इस समय में जल यात्रा करने के शौकीन हो सकते हैं, मन में जल यात्रा करने का भाव उत्पन्न हो सकता है, अहंकार को त्यागने का प्रयास करना चाहिए आपको, आप एक अहंकारी व्यक्ति के तौर पर में जो है सो नहीं जाने जाए तो ज्यादा अच्छा है। बिजनेस व्यापार के मामले में अच्छा काम करेंगे, कंसल्टेशन से जुड़ा हुआ जिसका भी काम है अगर वो मेष राशि का है तो बढ़िया चलेगा, आपके कृति में वृद्धि होगी, शीतल स्वभाव रहेगा और स्फूर्तिमान आप बने रहेंगे। मेष के बाद बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है जो ये दर्शाता है कि इस समय में कफ का रोग यानी कि सर्दी खांसी जुकाम जो है सो आपको परेशान करने का प्रयास कर सकती है। कफ के रोग, सर्दी खांसी जुकाम से आप थोड़े से सुरक्षित रहने का प्रयास करें ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी काम अपने जान को रिस्क पर डाल करके नहीं करें, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। किसी विषय वस्तु व्यक्ति की तरफ आपकी आसक्ति हो सकती है, उससे बचने की कोशिश करें। खर्चीले स्वभाव पर में काबू पाएं, स्वभाव खर्चीला रहेगा इन दो दिनों में और आंख से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपके सामने में आ सकती है, भाइयों से प्रेम बना रहेगा। वृषभ के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है जो ये दर्शाता है कि आपकी बुद्धि बड़ी चंचल रहेगी, कन्या संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा, युवा सट्टा लॉटरी गेमिंग इन सब के मामले में भी आपका समय जो है सो अच्छा चलेगा अगर आप इनसे धन अर्जन करते हैं तो। इस समय में आपका स्वभाव क्षमाशील रहेगा, इस समय में आप बहुत जल्द किसी को माफ कर देंगे अगर कोई गलती किया है। मिथुन के बाद बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है,
कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा यह दर्शाता है कि दान पुण्य करने का अवसर आपको प्राप्त होगा, मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी और इस समय में आपके मन में सुखद एहसास होगा, सुख की प्राप्ति होगी। पेट से संबंधित किसी प्रकार का कोई इशू है उससे राहत होगा, किसी प्रकार का कोई बीमारी कोई रोग है उससे आप वंचित रहेंगे, इस समय में राहत में रहेंगे, राग द्वेष आपको परेशान नहीं कर पाएगा। किसान वर्ग के लोगों के लिए भी कर्क राशि वाले अच्छा समय है, जिसका विवाह हो चुका है उसको भाग्य का विशेष साथ मिलेगा, जल जीवी के तरफ आकर्षण रहेगा और आप अपने बुद्धिमता के बदौलत बुद्धिमानी के बदौलत निश्चित तौर पर कुछ हासिल करेंगे। कर्क के बाद बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा यह दर्शाता है कि आपका इस समय में मन काफी प्रसन्नचित रहेगा, आप एक तपस्वी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे, तपस्या करने का अवसर प्राप्त होगा, जो भी काम करेंगे उसे पूजा मान करके तपस्या मान करके ही करेंगे, ईश्वर पर में आस्था बनी रहेगी, भाषा बहुत मीठी रहेगी और सर्दी खांसी जुकाम से थोड़ा सा बचने का प्रयास करें। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप एक अच्छे लवर एक अच्छे प्रेमी के तौर पर भी जाने जाएंगे। सिंह के बाद बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि भाषा बड़ी मीठी रहेगी, मीठे शब्द का प्रयोग करेंगे, चेहरा बहुत ही सुंदर और कमाल का दिखेगा, भोग विलास करने का अवसर प्राप्त होगा, बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत अच्छा कदम उठाएंगे, गायन वादन के तरफ अच्छा खासा रुझान रहेगा एवं शरीर आपका बहुत ही सुंदर लेकिन भारी और आलस्य से भरा हुआ प्रतीत होगा। कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि की। जिस राशि में चंद्रमा आज विराजमान है प्रथम भाव में उसके लिए तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा है, जिससे तुला राशि वालों को इस समय शरीर में बल की कमी महसूस नहीं होगी, काफी बलवान महसूस करेंगे। इस समय में आप एक ऐश्वर्यशाली व्यक्ति के तौर पर जाने जाएंगे, आप ऐश्वर्यशाली और आपको बता दूं कि विभिन्न प्रकार के सुखों से ओत पोत करने का चंद्रमा प्रयास करेगा, बिजनेस व्यवसाय बढ़िया चलेगा, गायन वादन की तरफ रुझान रहेगा और आपको बता दूं कि कहीं जो है सो बाहर जाने का आपके मन में विचार उत्पन्न हो सकता है, शरीर बहुत सुंदर दिखेगा, सहनशीलता आपके अंदर रहेगी, शांति को ज्यादा पसंद करेंगे, शांति भी ये कहलाएंगे और भाग्य का भी निश्चित तौर पर में तुला राशि वाले आपको अच्छा स्वाद मिलेगा। तुला के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। 12वें भाव में चंद्रमा के कारण आपको वृश्चिक राशि वाले इस समय में अपने आंखों से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, आपके अंदर चंचलता का वास हो सकता है, कफ का रोग ज्यादा परेशान कर सकता है, गुस्सा क्रोध उस पर में काबू करने की कोशिश करें, एकांत प्रिय रहना अच्छा लगेगा, चिंतनशील स्वभाव रहेगा, भाषा बहुत मीठी रहेगी लेकिन पैसा हाथों से पानी की तरह निकलता जाएगा, उस पर काबू करें। वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनु राशि की, जिसके लिए चंद्रमा कुंडली के एकादश भाव में है। चंद्रमा का कुंडली के एकादश भाव में होना ये दर्शाता है कि आपकी बुद्धि बहुत ही चंचल रहेगी, आप एक गुणवान व्यक्ति के तौर पर जाने जाएंगे, आपके गुणों में वृद्धि होगी, संतति और संपत्ति, क्या संतति और संपत्ति इसका सुख आपको प्राप्त होगा और भी विभिन्न प्रकार के सुख से ओतप्रोत रहेंगे, लोग इस समय में आपको खूब पसंद करेंगे, यश में भी वृद्धि होगी, आप एक दीर्घायु व्यक्ति के तौर पर जाने जाएंगे। जीवन पर कोई भी संकट आने वाला है तो धनु राशि वाले चंद्रमा आपकी सुरक्षा कर लेगा, अर्थात दीर्घायु कहलाएंगे, मीटिंग वगैरह सक्सेस होगा, अगर आज और कल में कोई मीटिंग है आपका प्रदेश प्रिय कहलाएंगे और अपने काम में आपका भी एक्सपर्ट और दक्ष कहलाएंगे। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के दशम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के दशम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा यह दर्शाता है कि मकर राशि का व्यक्ति इस समय में एक कार्यकुशल व्यक्ति कहलाएगा, आपके अंदर दयालुता का भाव होगा, आपकी बुद्धि
निर्मल रहेगी। बिजनेस व्यापार करने का अवसर मिलेगा। कर्तव्य प्रायण कहलाएंगे, आपके सुख में वृद्धि होगी। यशस्वी कहलाएंगे, विद्वान कहलाएंगे और इस समय में अपने वंश के कुल के दीपक के तौर पर जाने जाएंगे। संतोषी व्यक्ति रहेंगे इस समय। आपको जो है सो मैं आपको बता दूं कि इस समय में किसी के वस्तु के प्रति कोई लोभ नहीं महसूस होगा। लोक हितैषी कहलाएंगे, मान सम्मान का अवसर प्राप्त होगा और प्रसन्न चित रहेंगे। और जीवन में किसी प्रकार का अगर कोई संकट आने वाला है तो चंद्रमा आपकी सुरक्षा करेगा। मकर के बाद बात करेंगे कुंभ राशि की, जिसके लिए चंद्रमा कुंडली के नवम भाव में विराजमान है। कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का विराजमान होना यह दर्शाता है कि आपको संतति और संपत्ति दोनों का सुख मिलेगा। धर्म के पालन करने वाले, धर्मात्मा के तौर पर में आप जाने जाएंगे। इस समय में अपने कार्य को लेकर के, अपने कर्तव्य को लेकर के बहुत ही बढ़िया जो है सो आप कहलाएंगे प्रवास प्रिय। न्याय व्यवस्था की तरफ रुझान, आपकी बुद्धि बहुत चंचल रहेगी और आप एक विद्वान व्यक्ति के तौर पर जाने जाएंगे। विद्या प्रिय, साहसी और भाइयों का सुख मिलेगा लेकिन थोड़ा सा कम सुख। कुंभ के बाद और राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि, जिसके लिए चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है, वो ये दर्शाता है कि किसी प्रकार का विकार मीन राशि वालों को घेरने की कोशिश कर सकता है। प्रमेह रोग के रोगी बिल्कुल सावधान रहे। काम और वासना की अधिकता इस समय में आपके ऊपर में हावी हो सकती है। और आपको बता दूं तो अष्टम भाव में चंद्रमा है तो आपके लिए खतरा भी है, आपके ऊपर में खतरा का भी योग है। इसलिए जीवन को संकट में डाल करके कोई काम ना करें। प्रमेह रोग के रोगी सावधान रहें, ज्यादा बोलने का प्रयास ना करें। और ऐसे कहीं से लाभ मिलने की भी संभावना है। स्वाभिमानी व्यक्ति के तौर पर जाने जाएंगे, किसी बंधन से दुखी हो सकते हैं एवं किसी व्यक्ति विशेष से आपकी ईर्ष्या भी इस समय में हो सकती। तो देवी और सज्जनों, मेष से लेकर के मीन तक 1 और 2 नवंबर 2024 का यही है राशिफल जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद जरूर करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम। मौनी राधे राधे। राम राम।